हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बहुत ही सम्माननीय महामहिम अनुसुईया उइके जी का आभार भी मानता हूँ, उनके लिए सम्मान भी व्यक्त करता हूँ और छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि समूचे छत्तीसगढ़ की जन भावनाओं के अनुरूप आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा था कि छत्तीसगढ़ के विद्वानों का सम्मान होना चाहिए, यहाँ का विद्वता का सम्मान होना चाहिए और सौभाग्य से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए डॉक्टर गिरीश चंदेल जी का आदरणीय महामहिम के द्वारा नामजदगी हुई है, नियुक्ति हुई है, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। आज किसी अखबार में मैं देख रहा था कि लगभग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहला कुलपति है जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, एक गांव से निकल के खेतिहर परिवार से निकल के इतने बड़े विश्वविद्यालय जिसको सारे हिंदुस्तान का सबसे बृहद और बड़ा विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में हम लोग मानते हैं, वहाँ के कुलपति का दायित्व उनको सौंपा गया है, ये हम सब के लिए बेहद सम्मान की बात है। महामहिम के लिए फिर से मैं आभार के शब्द व्यक्त करता हूँ कि ये जो लगातार 3 दिन से अखबार में मीडिया में जो चर्चा चल रहा है कि कोई मंत्री नाराज है, मैं समझता हूँ कि कोई भी मंत्री नाराज नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में जो हमारे कार्यक्रम हैं और छत्तीसगढ़ की योजनाओं का जो क्रियान्वयन हो रहा है, उसकी प्रशंसा केवल छत्तीसगढ़ में हो रही है ऐसा नहीं है, सारे हिंदुस्तान में हो रही है। और किसी मंत्री के एक स्टेटमेंट से कि किसी गांव में उनके क्षेत्र में उनकी आवश्यकता उपस्थित रहने की ज़्यादा थी, केवल इस लाइन को लेकर के अगर प्रतिपक्ष के लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की शुरुआत हुई है, ये उनकी गलतफहमी है। छत्तीसगढ़ के किसान प्रसन्न हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना से, छत्तीसगढ़ के गोपालक प्रसन्न हैं यहाँ की गोधन न्याय योजना से, छत्तीसगढ़ के मजदूरों में खुशी है राजीव गांधी खेतिहर मजदूर न्याय योजना से, छत्तीसगढ़ के बनवासी क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों के मन में खुशी है क्योंकि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की सारी उपज को हम लोग खरीदी कर रहे हैं। हिंदुस्तान में तेंदू पत्ता का कीमत जो हम दे रहे हैं वो कोई नहीं दे पा रहा है। छत्तीसगढ़ में जितनी भी हमने योजनाएं बनाई हैं, यहाँ के नौजवानों के मन में भी आने वाले भविष्य के प्रति काफ़ी अपेक्षाएं हैं। हम लोगों ने राजीव युवा मितान क्लब जो लगातार बनाने का काम जारी है, तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी ना तो सरकार के प्रति है ना हम सब के प्रति है। हालांकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का निर्देश दिए हैं कि सारे विधानसभा क्षेत्रों में उनका खुद का दौरा होगा, वहाँ हमारी जो योजनाएं हैं उसका फील्ड में किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को चूंकि छत्तीसगढ़ में वो विरोधी दल के रूप में है तो अपनी ड्यूटी उनको पूरा करना है। यहाँ के विद्वानों के सम्मान के संदर्भ में कुलपति की नियुक्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया था, पार्लियामेंट में भी हमेशा छत्तीसगढ़ के लोगों का ही सम्मान कांग्रेस के पार्टी के द्वारा किया जाता रहा है। हमें किसको अपर हाउस में भेजना है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की किसी सलाह की जरूरत ही नहीं है। आदरणीय महाराज साहब श्री टी एस सिंहदेव जी को हाई कमांड ने उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी थी। उत्तराखंड के बारे में महाराज साहब ने कहा कि हम वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। अब ये लगभग सच्चाई के एकदम करीब है कि हम उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं। पंजाब गोवा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। गोवा में तो पिछले बार भारतीय जनता पार्टी से दुगना और ढाई गुना सीटें कांग्रेस को मिली थी, लेकिन अमित शाह जी जिस तरीके से लोकतंत्र का खेल खेलते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का मामला है, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्टार कैंपेनर बनाया गया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं। प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस वहां बहुत मेहनत कर रही है। मुख्यमंत्री जी का परिश्रम और प्रियंका जी की मेहनत
और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस संगठन और के सारे लोग उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की उपस्थिति है, वहां की सरकार कांग्रेस के समर्थन से ही बनेगी, ये अंतिम बात है। आदरणीय महाराज साहब ने किस परिपेक्ष में कहा कि हमारा कोई वहां स्थान काफ़ी पीछे है, मैं तो ये कह नहीं सकता, लेकिन जहां तक मीडिया में बातें आ रही हैं, जहां तक हमारे छत्तीसगढ़ के सारे कांग्रेस जन वहां मेहनत कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां खूब मेहनत कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की योजनाएं उत्तर प्रदेश के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी लिख रही है, गोबर की खरीदी, गोधन न्याय योजना, गोठान की योजना, किसानों के संबंध में बिजली बिल के संदर्भ में हमारी जितनी योजनाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी उसको अपने अपने घोषणा पत्र में शामिल की हुई है। इसका मतलब है उत्तर प्रदेश का चुनाव में गुजरात मॉडल लगभग खत्म हो गया है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में छत्तीसगढ़ मॉडल लगभग चर्चा के केंद्र बिंदु में है, और वहाँ सरकार जो बनने जा रही है उसमें कांग्रेस की पूरी भागीदारी रहेगी, ये संभावनाएं दूर से दिख